वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है हम तवांग में। आज ज्यादा घूमने वाले नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करने वाले हैं। और आज हमें लेना है बुमला पास के लिए परमिट, और देखते हैं पहले डीसी ऑफिस। जैसा कि हमने पता किया, डीसी ऑफिस में जाके ये मतलब एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर अप्रूव होता है, तब जाके पास मिलता है। तभी देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, सारी चीज़ बताएंगे। और क्योंकि खुद का बाइक भी लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी शायद अलग कुछ परमिट लगेगा। देखते हैं, जाते हैं, जैसा होगा वैसा बताएंगे। तो होटल से भी हम परमिट ले सकते हैं, पर उसके लिए 500 रुपीज़ लगेगा। और डीसी ऑफिस से जाकर अगर खुद लेंगे तो वहाँ 100 रुपीज़ लगेगा। तो हमने सोचा कि 500 देके तो हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट खुद आए हैं, खुद अगर करके ये सब देख लेना तो ज़्यादा जानकारी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, अच्छा मज़ा भी आता है कि खुद ने किया, सब कुछ मैनेज किया तो अच्छा लगता है। इसलिए हमने सोचा कि जाकर देखते हैं, अगर हुआ तो गुड, अगर नहीं हुआ तो ये तो है ही ऑप्शन। तो इसलिए चलिए अभी जाते हैं। अभी 11 बज गया, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं और बाहर का नज़ारा अद्भुत है ना। तो चलिए अभी निकलते हैं। तो अभी हम होटल से निकल पड़े और जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने। तो उनका एक गैराज है, तो उनसे मिलेंगे, उसके पास जाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें घूमना है, क्या करना है, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है उन लोगों के साथ। तो चलिए पहले मिलते हैं। वॉश अच्छा, तो बाइक वॉश नहीं। भाई कैसे हो, बहुत दिन बाद। ठीक है ना, सब सही। और बताओ, कैसे लगा? हम लोग तो आए अभी कल दिरंग से। कितने बजे पहुंचे कल हम लोग को? कैसे भाई, कब भाई का ट्रेडिशनल सूट मेरे को याद आ गया। पूरा दिन अलग खेला है ना। हां हां हां, उसमें तो क्या अपना कल्चर चल रहा था, इसलिए हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। अब आप लोग फ्री हो पाएंगे, साथ में चलते फिर थोड़ा। तो अभी मिल के आए और हमने प्लान किया कि हम परसों जाएंगे बुमला पास, और परसों जाने के लिए कल हमें परमिट लेना पड़ेगा। आज नहीं लेना है, कल लेना है, मतलब जिस दिन जाएंगे उसके पहले दिन ही लेना है। तो अभी हम थोड़ा सा घूमेंगे, मॉनेस्ट्री जाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। चलते हैं मॉनेस्ट्री पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ से मॉनेस्ट्री का डिस्टेंस 3 किलोमीटर के आसपास है। पहुँच गए हैं मॉनेस्ट्री। तो हम पहुँच गए हैं तवांग मॉनेस्ट्री, और देखिए चारों तरफ कितना कलरफुल लग रहा है सब कुछ। लास्ट टाइम हम आए थे तो एक्सट्रीम विंटर था, और अभी विंटर आने को है। उस टाइम विंटर, हाँ उस टाइम पीक पे था, पीक पे था, क्योंकि पूरा स्नोफॉल था, हर जगह जमा हुआ अभी था। विंटर स्टार्ट होने को है। तो दोनों ही सीजन बहुत अलग लग रहा है, बहुत सुंदर है, दोनों ही सीजन बहुत सुंदर है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो उन लोगों के साथ आए थे जिन लोगों के साथ आज हम मिले ना, तो वो लोग पीछे के रास्ते से ले गए थे और पूरा कार पार्क कर दिए थे, तो हमें चलना नहीं पड़ा था। पर इस बार सोचे कि चलो चल के देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाई है, कैसा लगता है। तो ये हम पहुँच गए हैं मॉनेस्ट्री, और देखिए चारों तरफ कितना सुंदर। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। Thank you.
रूम है और ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, साइलेंस को फील करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब प्लेस मेडिटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जा रहे हैं, ऊपर से भी अच्छा व्यू है। चलिए देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। नज़दीक से दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से ना लोग पैसे भी देते हैं, वो देखिए, तो हम भी ट्राई करते हैं। और यहाँ से नज़ारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कहाँ गया? तो मॉनेस्ट्री घूमने के बाद हम आ गए हैं अभी ड्रैगन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। तो रेस्टोरेंट में यहाँ के एक लोकल से मुलाकात हुआ, जो हमें देखकर पूछने लगे कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और बाइक से आ रहे हैं कि नहीं। और वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे सुरके कि कितने दिन लगे और कहाँ से आए हैं हम लोग। लंच ख़त्म करने के बाद हम सरिंग भाई के साथ वापस ज्वाइन किए और वो हमें तवांग व्यू पॉइंट पे लेके गए। सरिंग भाई बोल रहे थे कि आज का दिन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसीलिए आज का दिन मॉनेस्ट्री विजिट करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए एक और हिडन जेम की तरफ हमें लेके गए, जो कि थोड़ा नीचे गाँव की तरफ है। तो हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े उनको ज्वाइन करते हुए। और ये देखो हम पहुंच गए, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है और चारों तरफ पहाड़ों ही पहाड़ ही पहाड़ है, उसके बीच में ये जगह। और ये है महाबोधि स्तूपा। और जैसा सरिंग भाई ने बताया, इसको तीन चक्कर लगाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट ओ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो चलिए पहले हम यहाँ तीन चक्कर लगा लेते हैं और देखिए चारों तरफ कितने सुंदर फूलों से घिरा हुआ है। तो तीन बार घूम लेने के बाद अब हम यहाँ कैंडल्स जला रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इनको बटर लैम्प भी बोला जाता है, ये बटर से बने हुए हैं। चलिए पहले जला लेते हैं।
स्तूपा पे आए हैं। आज एक स्पेशल दिन है 15 नवंबर। यहाँ पर 108 स्तूपास है और हर एक स्तूपा किसी ना किसी को डेडिकेट किया है, जैसे कि किसी के फैमिली मेंबर ने या फिर किसी के रिलेटिव ने या फिर कोई एक एंटायर विलेज किसी एक पर्सन को डेडिकेट किया है। तो इसी तरह हर कोई अपने तरीके से ये स्तूपा बनवाया है इन द लविंग मेमोरीज ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है, हम सब यहाँ एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बातें हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अभी सबके साथ आके बहुत मजा लग रहा है, बातें हो रही है और व्यू देखिए, व्यू भी अमेजिंग है। तो अभी थोड़ा यही बात मैं बोल रहा था, जब आप लोगों से मिलते हो तो बातें होती हैं, बनती हैं और कुछ ऐसे ही अजीब जगह पे आप आते हो जिसको देख के आपका मन खुश हो जाता है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद यहाँ पर हमारा आना नहीं होता, क्योंकि हम जानते भी नहीं वैसा कुछ फेमस स्पॉट तो नहीं है। और एक क्या ऑर्फनेज हाँ, आज कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं वो लोग, तो इसलिए हम भी आए हैं उन लोग के साथ। तो वो लोग नहीं होते तो हम ये तो मिस कर जाते। आप दोस्ती कैसे करते हो? आप चाहते नहीं हो, अगर किसी कोई आपका दोस्त है आप ऐसा करके दोस्ती नहीं करते हो कि आप बनाना चाह रहे हो, दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ पिछले बार हमारे साथ, हमारे दोस्त बन गए और शायद उन्हीं दोस्तों की वजह से आज इतना एक अच्छा मोमेंट बन पाया। सब खेल रहे हैं बच्चे लोगों के साथ, ये डॉगीज, वाव। कहाँ जा रहे हो? तो ये एक स्कूल है और हॉस्टल भी है शायद, तो यहाँ बच्चे लोगों के साथ डॉगीज खेल रहे हैं, बुला रहे हैं कि चलो खेलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ आग जला दिए हैं अभी, यहाँ कॉमन पीपल के लिए है, यहाँ जो भी है बच्चे लोग खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आके यहाँ आग तपा लेंगे। तभी 5 बज गया और अंधेरा देखिए कितना हो गया। तभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम अभी पहुँच गए अपने रूम पे और पी रहे हैं कॉफ़ी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।